फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडी सरस्वती स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं झारसुगड़ा एयरपोर्ट और ये मेरी पहली हवाई यात्रा थी। और मैं आपसे शेयर करूंगी कि पहली बार एरोप्लेन में बैठने पर कैसा महसूस होता है। और मैं आपको बताने वाली हूं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एरोप्लेन में बैठने का कैसा रहा। दोस्तों, जब भी आप एरोप्लेन में यात्रा करें तो समय से पहले 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपके बैग की चेकिंग होगी और बैग का वेट 35 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। बैग चेकिंग होने के बाद आपको फर्स्ट वेटिंग हॉल में बैठना पड़ेगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके लगेज वगैरह को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बोर्डिंग पास बनवा रहे हैं। एरोप्लेन में बैठने के लिए बोर्डिंग पास ज़रूरी होता है और इस तरीके का होता है बोर्डिंग पास, यानी कि टिकट। ये एरोप्लेन का टिकट होता है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी साथ में ज़रूर लेकर जाएं। और यहाँ पर होती है बैग, लगेज, जितने भी सामान हम लेकर के गए हुए हैं, मोबाइल वगैरह, सबकी यहाँ पर चेकिंग होती है और साथ में हमारी भी चेकिंग यहाँ पर होती है। तो हेलो दोस्तों, अभी हमारी चेकिंग हो चुकी है और अब हम प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं। और दोस्तों, ये है वेटिंग हॉल। यहाँ पर हम प्लेन आने का वेट कर रहे हैं। अभी प्लेन को आने में थोड़ा सा टाइम है तो हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स खींच लिए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही कार्टून टाइप का। देखिए, ये है मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी को देखिए कैसे सेल्फी ले रही है, और मुझे देखिए, ये है मेरी पिक। ऐसा लग रहा है कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हमारी प्लेन जो है आ चुकी है और मैं आपको इसे पास से भी दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है प्लेन का और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्लेन में बैठने के लिए। और मेरी बेटी भी कितनी खुश लग रही है, पहली बार जो प्लेन में बैठ रही है, जो ऊपर देखते रहती थी, मम्मी एरोप्लेन जा रहा है देखो, उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो प्लेन में बैठने वाली है। और अब हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। देखिए, हम आ गए हैं प्लेन के पास। प्लेन में बैठने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ प्लेन के अंदर का नज़ारा। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो हमने प्लेन के अंदर खींचे हैं। ये हवाई विमान सिर्फ डोमेस्टिक उड़ान के लिए ही होता है। तो प्लेन हमारी स्टार्ट हो गई है और अब हम उड़ान भरने वाले हैं। तो मैं आपको प्लेन की साउंड सुनाती हूँ। प्लेन जब स्टार्ट होती है तो कुछ देर तक वो बहुत धीरे धीरे चलती है, उसके बाद वो अपनी तेज रफ्तार में आ जाती है और तेज रफ्तार पकड़ते हुए उसकी गति देखिए, कितने स्पीड में प्लेन जो है चलती है। नज़ारा ऊपर से दिखाई दे रहा था। तो
साफ होता है तब इसकी पिक्चर जो है बहुत ही क्लीन दिखती है, बहुत ही नीचे का जो नज़ारा है वो साफ साफ नज़र आता है। बट अगर ऊपर जब बादल छाए रहते हैं तो सिर्फ बादल ही दिखते हैं, नीचे का नज़ारा साफ नज़र नहीं आता। और अब हम पहुंचने वाले हैं रायपुर, अपने छत्तीसगढ़ रायपुर में। और अब प्लेन हमारी लैंड करने वाली है रायपुर, और प्लेन लैंड करते समय थोड़ा सा झटका हमें महसूस होता है जब प्लेन जो है उतरती है तब। प्लेन लैंड होने के बाद एक बस आती है जिसमें यात्रियों को बिठाकर एयरपोर्ट के पास ले जाया जाता है। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा एरोप्लेन में बैठकर, क्योंकि ये मेरी पहली हवाई यात्रा थी। मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है एरोप्लेन में बैठने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।